हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है क्या थर्ड पार्टी ने इस बार जाने का फैसला कर लिया है या अभी रुकेगी। यानी कि आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है या अभी और लंबा पीरियड होगा। तो ये रीडिंग जो है मैरिड अनमैरिड ही से सेम जेंडर प्यार मोहब्बत लाइफ रिलेशनशिप में जो भी है ये उसी के लिए जनरल रीडिंग है। ही शी कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसलिए आप जब जी चाहे इसको देख सकते हो। जितने रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना। ये पक्की बात है कि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी, साथ में बहुत सारी क्लैरिटी। तो चलिए शुरू देखते हैं डिवाइन टैरो आज कौन से कार्ड निकालने वाले। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या है, क्या थर्ड पार्टी ने इस बार आपकी लाइफ से आपके रिश्ते से निकलने का फैसला कर लिया है। गाइस, सबसे पहले आया है सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स। लीजिए, साथ में फिर आया टू ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द सन। मेजर अरकाना से भी कार्ड निकला है गाइस। एस ऑफ कप्स, द चैरियट, मेजर का दूसरा कार्ड, जस्टिस। वाओ गाइस, अब तो स्माइल फेस आपका जरूर रेडी हो गया होगा। हो जाइए खुश और भेजिए एक प्यारी सी हमारी। आखिरी कार्ड देखोगे ना तो मैं सच में कहती हूँ आपका दिल बाग बाग हो उठेगा। द लवर का कार्ड है सबसे लास्ट का। अब बॉटम देखते हैं, बॉटम हमें क्या कहता है जी। बॉटम है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो चलिए गाइस अगर गाइस जहाँ जनरल रीडिंग का जनरल रीडिंग है लेकिन इसके साइन में आपको बता देती हूँ, अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है। यानी कि साइन इसमें सारे हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक यहाँ पे नंबर सेवन, नंबर टेन और नंबर सिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस थ्री में हमें मिला है बॉटम। तो चलते हैं आज इन नंबर्स को डेट को छोड़कर, इतना मेन टॉपिक है क्या थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते से जाने का फैसला कर लिया है ना। एक अचंभे वाला। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कार्ड आया है आप देखिए, थर्ड पार्टी जब आपकी लाइफ में आई, एक बात मैं बता देती हूँ, जो आपके पर्सन थे अगर आपसे अलग हुए हैं ना तो वो बहुत कंफ्यूज थे। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
ये बताता है कि ये इंसान दिल का खराब नहीं था। कुछ कुछ लोगों का होता है, सब लोगों का नहीं होता, कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं जो तेज हों, लेकिन इनको जब चुनने की बात आई, कोई एक चीज ली, तो इन्होंने जहाँ पलड़ा बाड़ी था, जहाँ इनको लगा कि मेरी सरनी नहीं, वहीं मेरे को झुकना ही पड़ना है, इन्होंने फिर थर्ड पार्टी को चुन लिया। तो थर्ड पार्टी ने जाने का फैसला कर लिया है, उसकी वजह है बॉटम। बॉटम में आया है थ्री ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से, आपके जो पर्सन है, मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं, उनका जो लगाव है अब थर्ड पार्टी के साथ, एक जुड़ाव जरूर है, एक जुड़े जो जो कहते हैं ना, ये हाथ है, ये हाथ है, ये जुड़े हुए हैं लेकिन दिल जुड़े नहीं हैं। तो वहाँ ये है कि ये हाथ जुड़े हैं लेकिन वहाँ दिल जुड़े नहीं हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ से जितनी मर्जी थर्ड पार्टी अपनी खूबियां बताती हैं, लेकिन ये पर्सन ने मुंह मोड़ा हुआ है। उस टाइम इसकी मजबूरी थी, ये चीज़ों को चुन नहीं पाया, क्योंकि इस टाइम इसके ऐसे हालात हैं कि ये पर्सन घंटों ही आपको स्टॉक करता है, घंटों ही आपके बारे में सोचता है, और ये भी देखता है कि भोलेपन से इसने काफ़ी कुछ खराब नहीं करा, आपकी लाइफ खराब करी है। इसके मन में कई बार सवाल आता है कि ये आखिर क्या किया मैंने, ये क्या हो गया, तो आखिरकार इसको जवाब इसका नहीं मिलता, क्योंकि इस चीज़ को इसका दिल आवाज़ देता है कि आप इसके सोलमेट कनेक्शन हो। जहाँ दिल धड़कता है वहाँ, अब लाइफ में बहुत सारे रिश्ते कई लोगों के पास आते हैं, कोई एक क्यों खास होता है, क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन होता है। कहते हैं ना, वो तो इतना सुंदर था, उसकी तरफ तो भागा नहीं, सुंदर देख के वो इतना खराब सी मैरिज कर ली, इसने खराब को बॉयफ्रेंड बना लिया या गर्लफ्रेंड बना लिया, तो वो एक सोलमेट कनेक्शन होता है। जो आपके पर्सन जब ये रिश्ते में थे, आपके पीछे पीछे बहुत घूमते थे स्टार्टिंग में, जब आप सीरियस होने लगे, तो इनका जो स्वभाव, इसका नेचर, इनके रोज़मर्रा की चीज़ें चेंज होने लगी। तो आपका सोलमेट कनेक्शन है ये पर्सन, इसीलिए आपको भूल नहीं पाया। एंजल की ब्लेसिंग भी आपको मिलती है, आपके रिश्ता एक बार बन गया तो फिर कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमें मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये बताता है कि ये आपको न्याय मिलना ही मिलना है, और ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये बताता है न्यू बिगिनिंग, रिश्ते की दोबारा से होनी होनी है, एक बार लाइफ में वो टाइम फिर से आना जो आप खो चुके हो। तो थर्ड पार्टी का जाने की बात अगर मैं करूं, तो देखिए गाइस, पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, जो ये बताता है कि ये थर्ड पार्टी जो है मायूस हो चुकी है, इसको अब कुछ नहीं समझ आ रहा, ये अपनी नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ती हुई। तो गाइस, सोलमेट कनेक्शन का इनको आभास हो रहा है, लेकिन सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी ने जाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पहला ही कार्ड मिला है कि नेगेटिविटी आपके पर्सन से दूर हो रही है। ये पर्सन जो जितना आपके साथ रिश्ते में इसने दाव पेच खेले हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम आपके रिश्ते ने ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो इसका लालच था थर्ड पार्टी का, उसने कोई इसको अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है, सपने देखते हैं, हम दो, हमारे दो वाले ख्वाब देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक प्यारा सा घर जिसमें दो नन्हे मुन्ने से हो, हैं ऐसी चीज़ें वो आपके साथ देखते हैं, और रीयूनियन, अगर आप सिंगल हो, आपके पर्सन मैरिड है, और ये भी हो सकता है आप मैरिड हो तो वो सिंगल हो, आप लोगों का भी रीयूनियन, अगर आप लोग हो तो आप लोगों का भी रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होना ही है। लेकिन यहाँ जो कार्ड है, उनमें से एक चीज़ का ये आभास हो रहा है कि आपके पर्सन का नेचर जो है काफ़ी हाई वोल्टेज पे, यानी कि गुस्से के स्वभाव के है, हमेशा गुस्सा रहता है। अगर आप किसी चीज़ की जिद करते हो, तो यहाँ मैं यही कहूँगी
कि जब गुस्से में होते हैं तो आप थोड़े से शांत रहा करिए। तो ये पर्सन जो है, जिस आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी आई है, ये जाती हुई दिख रही है, क्योंकि पर्सन जो है मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं। पहला कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते से नेगेटिविटी जा रही है और आने वाला टाइम आपका अच्छा होना है, क्योंकि डिवाइन चाहता है आपको न्याय मिले, आपके साथ अन्याय ना हो। और ये पर्सन आने वाले टाइम पे ये एक मजबूत इरादे के साथ एक नई लुक लेकर, एक समझदार इंसान, जैसे इमेच्योर थे ना, मच्योरिटी के साथ आपकी तरफ रिकन्सिलेशन रीयूनियन का हाथ बढ़ाएंगे और आपको कहेंगे कि अब ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो गाइस, ये थी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपके, इनको कितना टाइम लगेगा आने में, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक्शन का कार्ड तो मिल गया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आनी है अगर एक बार ये पर्सन आ गया, आपको न्याय मिल गया। लीजिए, दो कार्ड आए हैं जो ये बता रहे हैं 17 डे, 70 वीक या 9 मंथ में ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये अपने को, जैसे मैंने कहा कि एक मच्योर तरीके से आएंगे, एक अपना बोल्ड इंसान बन के आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में ले रहे हैं और एक समझदारी का प्रूफ होने के लिए आपके समझदार इंसान बन रहे हैं। और ये है कि आएंगे आपके पास, फुल खुशियां आपको देंगे, आपके साथ इनकी खुशियां जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है जब ये आएंगे, अगर इनके फाइनेंस का कहीं लॉस हुआ है या किसी जॉब की तलाश में थे, तो ये पूरी तरह रेडी करके फाइनेंस का भी आएंगे। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या एडवाइस है। जब आप इतने प्यारे हो, रीडिंग देखते हो, पर्सन के साथ इतना प्यार करते हो, तो क्या आपके लिए क्या एडवाइस? ये देखिए गाइज, आपका एडवाइस कार्ड निकला है। ये एडवाइस कार्ड बता रहा है कि ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों के ही कर्मा क्लींज हो रहे हैं, डिवाइन के आगे मैनिफेस्ट कीजिए। और ये जो दुख का समय है, जैसे खुशियां हंस के काटी है, ये भी डिवाइन का प्रसाद पता है ना, प्रसाद कैसा मिलता है, कभी ख़राब मिलता है तब भी खा लेते हैं, कहते हैं नहीं प्रसाद है फेंकना नहीं है। तो इसलिए ये खराब प्रसाद समझ के आप लोग हंसी हंसी इसको एक्सेप्ट करें। जब आप डिवाइन की हम लोग हर चीज़ हंसी हंसी एक्सेप्ट करते हैं ना, तो डिवाइन फिर समझ जाता है कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, इनको दुख नहीं देना, ये मुझे दिल से चाहते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की आपकी रीडिंग है, बहुत बढ़िया आई है। थर्ड पार्टी ने जाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि अब उसे पता चला है अंगूर खट्टे हैं। तो क्या कहते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक कितना प्यारा है, कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं। तो एक पंजाबी सॉन्ग की दो लाइनें हो जाए, निंदरा नहीं आंदियां, सारी रात निंदरा नहीं आंदियां। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी। खुश रहो, आबाद रहो।